कैसे हैं आप सब। मैं मनोज, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से किचन में बास्केट को फिट किया जाता है। दोस्तों, देख पा रहे हैं ये बास्केट है, जिसको दोस्तों हम लोग ट्रॉली भी बोलते हैं। आज इसी को फिट करने का प्रॉपर तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा एरिया है, इसी के अंदर दोस्तों हम लोग बास्केट फिट करेंगे। अभी दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बास्केट हम लोगों ने फिट कर दिया हुआ है, जो कि दोस्तों ये हमारा ऊपर वाला बास्केट है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, हमारे पास ये बड़ा वाला बास्केट है, जिसको दोस्तों हम लोग प्लेट वाला, जो बड़ा वाला बास्केट होता है वो 8 इंच का ये है। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये 6 इंच का दोस्तों ये बास्केट है। अभी दोस्तों इसको हम लोग इसमें फिट करेंगे। फिट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका मेजरमेंट करना होगा, कहाँ कहाँ तक दोस्तों हमारा ये बास्केट आने वाला है। उसका जो फ्रंट वाला पार्टिया होता है उसका एक बार दोस्तों हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जो नीचे का पार्टिया होता है इसका माप का निशान लगाएंगे। दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों हम लोग नीचे का 14 इंच रखते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग 14.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं, पहले से हमने एक मार्क किया हुआ था, अभी हम आप लोगों के लिए दोबारा कर रहे हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, ये नीचे से दोस्तों 2 सूत ये ऊपर और यहाँ पे ये 14.25 इंच का दोस्तों यहाँ तक हमारा पाटिया आएगा नीचे का। और इसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें से 2 सूत का गैप रखेंगे। इसके बाद दोस्तों सिंपली हम लोग यहाँ से एक 8 इंच का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा दोस्तों ये मिडल वाला जो बास्केट आएगा उसमें दोस्तों हम लोग 8 इंच का फ्रंट वाला पाटिया लगाएंगे। और दोस्तों ये जो ऊपर का एरिया है इसमें दोस्तों हम लोग 5.5 इंच का ये हमारा पाटिया आने वाला है। दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है, ऐसा ही दोस्तों दोनों साइड में, इस साइड में भी दोस्तों देख सकते हैं 14.25 इंच, उसके बाद 2 सूत का गैप, और यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं 8 इंच और 2 सूत का गैप। अभी दोस्तों इसको ऑलरेडी हम लोगों ने फिट कर दिया हुआ है। दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारा इससे 2 सूत ऊपर है दोस्तों ये हमारा बास्केट। अभी इस पर फ्रंट वाला पार्टी आ जाएगा। तो अभी दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, ये जो हमारा आपको थोड़ा थोड़ा निशान लगा लेना है। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देख पा रहे हैं ये हमारा नीचे का बास्केट है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम इसकी साइज़ निकालेंगे कि कितना ऊंचाई पे दोस्तों ये हमारा चैनल लगा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं, इसको चाहे तो आप इसको ज़मीन पर भी रख कर के चेक कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप इस तरीके से दोस्तों देख पा रहे हैं, हम एक प्लाईवुड का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मेजर करेंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारा 2 इंच ये सेंटर आ रहा है दोस्तों इसका, होल चैनल का 2 इंच पे दोस्तों ये हमारा चैनल फिट हुआ है। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जितना भी आपको इस जो टाइल्स है इससे ऊपर करना है 2 इंच, 1/2 इंच अगर आपको ऊपर रखना है तो 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, अगर आपको 3 सूत रखना है तो 2 इंच 3 सूत पर। इस स्टाइल से दोस्तों हम लोग 3 सूत ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 2 इंच 3 सूत का मार्क कर लेते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे दोस्तों आप भी बड़ी इजीली इस बास्केट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों अंदर की साइड में हम भी अभी दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये पहला वाला जो था ये मार्क हो चुका है। अभी दोस्तों जो हमारा मिडल में आने वाला है इसका भी दोस्तों एक बार हम लोग चेक करेंगे कि ये कितनी ऊंचाई पे दोस्तों चैनल लगा हुआ है। इसके लिए भी दोस्तों सिंपली वैसा ही हम लोग फार्मूला से काम करेंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारा 2 इंच 1 सूत ऊपर है दोस्तों, करेक्ट। अभी दोस्तों देख सकते हैं, अभी इसको हम लोग 2 इंच 3 सूत पर दोस्तों एक निशान लगाएंगे, और इसके बाद राइट एंगल से इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। दोस्तों ऐसा ही दोस्तों आपको इस साइड में भी कर लेना है, उसके बाद इस तरीके से आपको निशान लगा देना है एक। अभी क्या हम लोग करेंगे दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा सा राइट एंगल है तो आप यहाँ से लेकर वहाँ तक मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप इस टाइल से भी दोस्तों आप मार्क कर सकते हैं इस तरीके से बराबर करके। दोस्तों अभी दोस्तों देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम लोग
इसको लगा देंगे। अभी दोस्तों सिंपली हम लोग ये जो हमारा बास्केट है इसके चैनल को निकाल लेंगे और इसमें दोस्तों हम मार्क कर लेते हैं कहाँ कहाँ दोस्तों हमारा ये स्क्रू वगैरह आने वाला है। और इसी के साथ में दोस्तों हम लोग स्क्रू का भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आपको थोड़ा सा दोस्तों इस ये जो चैनल है इसको बराबर ही लगाना है आगे की साइड से। जहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने निशान लगाया था उसी पर सीधा हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं और उसी पर दोस्तों हम लोग चैनल का जो है स्क्रू भी वहीं पर लगाएंगे। ये दोस्तों बास्केट फिट करने का बहुत ही इजी तरीका है। आप इस तरीके से बड़ी आसानी से के साथ किचन में बास्केट को लगा के दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी होल्स आने वाले हैं चैनल के सभी को यहाँ पे लगा लिया हुआ है निशान। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ड्रिल मशीन है इसमें दोस्तों ये 764 का बिट लगा हुआ है। अब इसी की सहायता से दोस्तों हम लोग यहाँ पे होल कर लेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये जो होल करने का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी सिंपली दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें दोस्तों इस चैनल को स्क्रू लगा करके कस देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये प्रॉपर चलता है कि नहीं चलता है। इस पर दोस्तों लगाने से पहले इस बार आपको बास्केट रख करके चेक कर लेना है कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो बास्केट होता है वो थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है तो उसमें दोस्तों आपको पैकिंग लगाना पड़ेगा। अब इस तरीके से दोस्तों आपको चैनल को फिट कर देना है। अभी दोस्तों ये हमारा दूसरा चैनल है इसको भी निकाल करके इसको फिट कर देंगे। बट दोस्तों इसको हम लोगों ने पहले चेक किया हुआ था इस चैनल को, इसमें दोस्तों हमारा ये दो सूत का पैकिंग लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पैकिंग लगाना है ये होल करके। अभी दोस्तों इसको हम लोग पैकिंग लगा करके थोड़ा सा स्क्रू जो इसका रहेगा बड़ा लगा देंगे। अभी दोस्तों हम लोग उस लास्ट वाले में भी पैकिंग लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं। हमारा चैनल लगभग लग करके रेडी हो चुका है। अभी दोस्तों इसमें हम लोग बास्केट एक बार डाल कर चेक करते हैं। ये रही दोस्तों हमारी बास्केट। अभी इसको इस तरीके से हम फिट करेंगे। इसमें दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा जो बास्केट था ये लग चुका है दोस्तों नीचे का। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की साइड दोस्तों हम लोगों ने 3 सूत का गैप रखा था, ये लगभग उतना ही है दोस्तों देख पा रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों आप भी बड़ी आसानी के साथ बास्केट को फिट कर सकते हैं दोस्तों देख पा रहे हैं। अभी दोस्तों हम फटाफट से ये जो हमारा बीच वाला बास्केट है इसको भी आपको फिट करके दिखा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो दूसरा वाला चैनल है इसको भी इस साइड में फिट कर देंगे दोस्तों। छोटा छोटा पैकिंग लगने वाला है।
ये हमारा लास्ट वाला स्क्रू है दोस्तों। ये दोस्तों चैनल हमारा लग करके रेडी हो चुका है। अभी दोस्तों इस बास्केट को भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ये इसका क्या पोजीशन है दोस्तों। देख सकते हैं हमारा ये वाला भी बास्केट बहुत आसानी के साथ फिट हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप भी बड़ी आसानी के साथ फिट कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम इसका परफेक्ट मेजरमेंट ले लेते हैं, ये प्रॉपर हमारा है कि नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तक हमारा 14.25 इंच तक दोस्तों ये हमारा पार्टी आने वाला था, और 2 सूत का दोस्तों ये गैप रहेगा, तभी दोस्तों हमारे पास ये 3 सूत का ये ऊपर की तरफ गैप है, तो ये प्रॉपर है। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा भी है दोस्तों 23 इंच है, यहाँ पे भी दोस्तों ये 2 सूत ये ऊपर ही है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा किचन का बास्केट फिट करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इसको हमने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अगर लाइक कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।